हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मदर चर्च कैथलिक चर्च पूरी दुनिया में, ऐसा हमें लगता है। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि पेंटिकोस्टल चर्च है, प्रोटेस्टेंट चर्च है, कैथलिक चर्च है, ये चर्च है, वो चर्च है, ऐसे दुनिया भर के बहुत सारे चर्च है, हमें सबके नाम ही नहीं पता आज तक। लेकिन ज्यादातर दो चार चर्च ही लोगों को पता होते हैं। लेकिन इतने सारे चर्च कैसे आ गए, इतना कलीसिया में इतना डिवीजन कैसे हो गया, तो इनमें फर्क क्या है आपस में? तो पहले कौन था, पहले कैथलिक था, प्रोटेस्टेंट थे या पेंटिकोस्टल थे? क्योंकि आजकल के जो युवा बच्चे हैं इनमें से पता ही नहीं है लोगों को, तो अगर थोड़ा इनके बीच में अंतर स्पष्ट कर देते तो अच्छा होता। फादर जी, ये जो सवाल आपने पूछा है इसका उत्तर मैं इस प्रकार देता हूं। जो हमारा कैथलिक कलीसिया है इसको हम कहते हैं कि ओरिजिनल चर्च, ओरिजिनल चर्च मतलब पहला चर्च, कैथलिक चर्च जिसका फाउंडेशन प्रभु ने खुद पेत्रुस के ऊपर रखा था, जो कि चट्टान है ना। तो वहाँ से पेत्रुस का जो सक्सेसर संत पापा लोग होते हैं, बहुत सारे संत पापा हुए है ना, अभी हमारे संत पापा फ्रांसिस हैं, तो ये वहाँ से चला आ रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रभु येसु का जो कलीसिया की स्थापना करी थी वो वहाँ से ये उत्पन्न होता है। आप जो अन्य चर्चों की बात कर रहे हैं, जैसे प्रोटेस्टेंट बोलते हैं है ना, हम अपने आप को बोलते हैं कैथलिक कलीसिया बोलते हैं। कैथलिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, एक चर्च जो कि प्रभु, हाँ आप पूछना चाहते हैं, एक यूनिवर्सल चर्च यानी सार्वभौमिक कलीसिया। सार्वभौमिक कलीसिया आप सही बना, मतलब देखिए ये प्रभु येसु का भी प्रार्थना था। यदि आप संत योहन के सुसमाचार को पढ़ेंगे उसमें प्रभु कितनी बार प्रार्थना करते हैं, हे पिता मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि ये सब एक हो जाएं। उनका प्रार्थना था ये, उनका विश भी था और आज भी उनका विश है कि चर्च एक रहे। लेकिन ये जो प्रोटेस्टेंट की बात कर रहे हैं, जिनका जो फाउंडर हम बोल सकते हैं वो मार्टिन लूथर थे, जो कि खुद एक पुरोहित थे, मदर चर्च में थे। ओ, ये एक नई बात हमें पता चली, मार्टिन लूथर जिनकी वजह से चर्च में डिवाइड हुआ वो खुद एक कैथलिक प्रीस्ट थे। बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही स्कॉलर थे एक प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन उस समय जो कुछ प्रैक्टिसेस जो चर्च में हो रहा था वो अच्छा नहीं हो रहा था, तो उसके प्रोटेस्ट में इन्होंने विरोध किया, जो कि हम रिफॉर्मेशन बोलते हैं, मतलब उसका चर्च को बदलने की बात कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ ना, वो थोड़ा सा डिविएट हो गए अपने लक्ष्य से और उन्होंने प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना की और खुद पुरोहित होते हुए भी एक दूसरे जो एक सिस्टर थी उसे शादी की प्रोटेस्ट के करने के लिए कि मैं देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो शादी भी किए और उनके मतलब उनके बच्चे भी हुए। वहाँ से ये जो प्रोटेस्टेंट की जो लगभग 15 सेंचुरी में शुरू हुआ, कैथलिक कलीसिया से अलग हुए, तो हम ये इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कैथलिक कलीसिया है वो प्रारंभिक कलीसिया है। और ये जो 15 सेंचुरी में जो 1500 ईस्वी में शुरू हुआ ये बाद में आए। और अभी क्या होता है, देखिए जो मेन जिसको हम कह सकते हैं कि जो अंतर है इसमें, उन लोग एक चर्च का निर्माण करते हैं और वो इंडिविजुअल हो जाता है, उसका देख रेख करने वाला एक पास्टर होता है। लेकिन हमारे कैथलिक कलीसिया में पोप जो प्रभु के एक प्रतीक हैं वो सबके ऊपर देखभाल करते हैं, उनसे जुड़े हैं सब, तो कोई अलग नहीं है। लेकिन अन्य चर्चों में देखते हैं कि मतलब डिवीजन हर जो भी अपना चर्च बना लिया, कुछ लोगों को बपतिस्मा दे दिया तो उसका चर्च हो गया, तो वहाँ का पास्टर हो गया, उसका अपना ही शिक्षा है, वो पोप पर विश्वास नहीं करता है, जो हमारा ट्रेडिशन है उस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उन लोग सीधे पवित्र ग्रंथ बाइबल को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन हम लोग पवित्र ग्रंथ बाइबल जो हमारा बाइबल है जिसमें 73 किताबें हैं, उनके यहाँ 66 किताबें हैं, बुक जिसको बुक्स बोलते हैं, तो ये अंतर है हमारे कैथलिक कलीसिया और दूसरे डिनोमिनेशन। मतलब हमारी कैथलिक बाइबल में ज्यादा पुस्तकें हैं उनके बाइबल की अपेक्षा,
तो हमें बहुत सी अच्छी बातें सीखने को मिल रही फादर जी, बहुत बढ़िया नॉलेज आप हमें दे रहे हैं। थैंक यू फादर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।